वेलकम टू नॉलेज इन्फिनिटी फ्रेंड्स। तो ये जो हमारी लेक्चर सीरीज है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की, आज मैं आप लोगों के साथ इसका पार्ट 3 डिस्कस करने वाला हूँ। और इस लेक्चर में हम लोग कुछ ट्रायंगल्स की और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक वीडियो में ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स बताई थी, तो उस वीडियो में मैंने आप इस ट्रायंगल से रिलेटेड एक दो ट्रिक्स मिस कर दी थी। तो मैं पहले उन ट्रिक्स को कंप्लीट कर लेता हूँ और उसके बाद हम लोग ट्रायंगल की कुछ और प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सपोज करो हमारे पास कोई ट्रायंगल है जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, और ये हमारा एंगल बी पे 90 डिग्री है, ठीक है। और अगर मैं बी डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ साइड ए सी पर, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल है एंगल ट्रायंगल ए बी सी, वो हमारा सिमिलर था ट्रायंगल ए डी सी के, और सिमिलर था ट्रायंगल बी डी सी के। तो कहने का मतलब था कि ये जो तीनों ट्रायंगल हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल और ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगल, ये आपस में सिमिलर है। और हम लोग यहाँ पर जो ट्रायंगल के सिमिलर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। जो मैं अगर ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी की साइड्स को कंपेयर करूँ, तो अगर मैं ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल की के लंब यानी हाइट को लेता हूँ, तो इसकी हाइट मुझे मिल जाएगी ए बी, और छोटे वाले ट्रायंगल जो मेरा ए डी सी है ये वाला ट्रायंगल, इसकी हाइट मुझे मिल जाएगी ए डी। ये बराबर होगी अगर मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज से विकर्ण लेता हूँ, तो इसका विकर्ण मिल जाएगा ए सी, और इस ट्रायंगल ए डी सी का विकर्ण मिले मिल जाएगा ए बी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा ए बी का स्क्वायर है वो मेरा ए सी इंटू ए डी के बराबर है। तो एक कंक्लूजन तो हमारा ये मिस हो गया कि जो ए बी का स्क्वायर है वो ए डी इंटू पूरे ए सी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। जो सेकंड कंक्लूजन मिस हुआ था हमारा, वो ये है कि अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी डी सी को कंपेयर करूं, तो पहले मैं ट्रायंगल ए बी सी का बेस ले लेता हूं, इसका बेस था मेरा बी सी, और बी डी सी का बेस आ जाएगा मेरा सी डी, इक्वल हो जाएगा मेरा अगर मैं बड़े वाले का विकर्ण लेता हूं ए सी अपॉन छोटे वाले का विकर्ण बी सी। तो यहां से मुझे मिल जाएगा जो हमारा पी सी का स्क्वायर है वो आ जाएगा मेरा सी डी इंटू ए सी। तो एक ये भी हमारा रिजल्ट है इस ट्रायंगल से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए अब ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। ट्रायंगल ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। तो ये जो रूल है ये बोलता है कि सपोज करो मेरे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, और इसकी जो साइड्स हैं वो ए बी और सी हैं। तो बोलता है कि अगर मैं मान लूँ कि जो एंगल ए है मेरा, वो मेरा सबसे बड़ा एंगल है इस ट्रायंगल में, मतलब एंगल ए की जो वैल्यू है वो बड़ी है एंगल बी और एंगल सी दोनों से, तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो इसकी अपोजिट साइड होगी यानी ए, वो बड़ी होगी बी से और सी दोनों से, ठीक है। इसका अपोजिट भी ट्रू है कि अगर किसी ट्रायंगल की कोई साइड सबसे बड़ी है, तो उसके जो अपोजिट एंगल होगा वो सबसे बड़ा एंगल होगा, ठीक है। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर कोई एंगल सबसे छोटा है, मान लिया मेरा जो एंगल सी था मेरा वो सबसे छोटा था, तो ये मेरी सी साइड जो होगी वो सबसे छोटी हो जाएगी मेरी। तो इसका प्रूफ हमें कहाँ से मिलता है कि मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज ट्रायंगल में साइन रूल पढ़ाया था कि जो हमारा ए अपॉन साइन ए होता है वो बी इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू टू आर के बराबर होता है, और ये आर हमारी सर्कम रेडियस होती है इस ट्रायंगल की। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो ए है वो मेरा साइन ए इंटू टू आर है, बी मेरा साइन बी इंटू टू आर है, और सी मेरा साइन सी इंटू टू आर है। तो इन तीनों चीज़ों में टू आर मेरा कॉमन है, ठीक है। तो अब जो साइड की वैल्यू है वो साइन ए साइन बी और साइन सी पर डिपेंड करेगी। तो अगर मेरा एंगल साइन ए सबसे बड़ा है, तो ऑब्वियसली है कि उसका साइन बी हमारा बड़ा ही होगा, और इसी वजह से जो हमारी साइड होगी वो भी बड़ी होगी, ठीक है। तो इसका प्रूफ हमें यहाँ से मिलता है। तो इससे रिलेटेड भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आपको एक टाइप का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगर कोई मेरा ट्रायंगल है ए बी और सी है, और इसके बीच में वो एक कोई लाइन ड्रॉ कर लेता है, और ठीक है, और वो बोल देता है कि ये एंगल हमारा 30 डिग्री है और ये हमारा 60 डिग्री है, ठीक है, और
अगर ये 30-60 है तो ये हमारा 90 हो जाएगा, एंगल हमारा 40 डिग्री है और ये हमारा 50 डिग्री है। तो और वो इनमें कंपैरिजन पूछता रहता है कि हमारा ए बी बड़ा है या हमारा ए डी बड़ा है या हमारा सी डी बड़ा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इन साइन रूल को यूज़ करके इनमें कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं अगर यहाँ पर इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करूँ, तो जैसे ये मेरा 45, ये मेरा 40 डिग्री था, ये मेरा 30 था, 70 हो गया, तो ये मेरा 110 हो जाएगा और ये मेरा 70 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं यूज़ करूँ तो ए बी अपॉन हो जाएगा मेरा साइन 110 और ये बराबर हो जाएगा मेरा, अगर हमको इसको ए डी से कंपेयर करना है तो ए डी अपॉन मेरा साइन 30। तो अब हमें पता है कि जो हमारा साइन 110 है वो हमारा साइन 30 से बड़ा होता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा ए बी है वो हमारा ए डी से बड़ा है, ठीक है। तो इसी तरह आपको कंपेरिजन कर करके इन साइंस में डिफ्रेंशिएट करना होता है, ठीक है। तो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो होते हैं, वो बोलती है कि सपोज करो मेरे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी और इसकी जो साइड्स हैं वो ए बी और सी हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि जो मेरी साइड सी है वो मेरी सबसे बड़ी है, ठीक है, और जो साइड ए और बी हैं ये मेरी सी से छोटी साइड है। तो अगर सी स्क्वायर इक्वल टू मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इस केस में ये ट्रायंगल हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। और अगर ये हमारा सी स्क्वायर अगर छोटा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो इस केस में ये हमारा न्यूनकोण त्रिभुज या इसे आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर ये हमारा सी स्क्वायर अगर बड़ा है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो ये हमारा अधिकोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। जो दो थर्ड प्रॉपर्टी है वो बोलती है कि किसी ट्रायंगल में जो हमारी स्मॉल आर या जो इन रेडियस है या जिसे आप अंतः त्रिज्या भी बोलते हैं, वो बराबर होती है 4r इंटू साइन ए वाई टू साइन बी वाई टू और साइन सी वाई टू के, ठीक है। तो ये हमारा इन रेडियस और सर्कम रेडियस में एक रिलेशन है। इन रेडियस को आप बोलते हैं अंतः त्रिज्या और सर्कम रेडियस को आप बोलते हैं परित्रिज्या या बाई त्रिज्या, और ये ए बी सी इसके एंगल है, ठीक है। तो जो इनके बीच में दूसरा रिलेशन है वो ये है कि जो हमारा कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी की वैल्यू होती है वो हमारे 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर के बराबर होती है, ठीक है। तो ये हमारा इन रेडियस और सर्कम रेडियस में सेकंड रिलेशन आ गया। और फ्रेंड्स एक और चीज़ है कि जो हमारी सर्कम रेडियस होती है कैपिटल आर, वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है 2r के, ठीक है। तो ये बराबर कब होगी, ये r इक्वल टू 2r होगा जब ये हमारा एक, ये r इक्वल टू 2r होगा अगर ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, या जिसे आप समबाहु त्रिभुज भी बोलते हैं। और अदर केसेस में ये हमारा r इज ग्रेटर देन 2r होगा, ठीक है। तो इस चीज़ पे भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज में जो हमारे स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का रेशियो क्या होता है, तो ये रेशियो हमारा 1/2 होता है, ठीक है, या फिर वो उल्टा भी पूछ सकता है कि कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का रेशियो कितना होता है, ठीक है। तो इस पर भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी वो है मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है, तो मिड पॉइंट थ्योरम हमारी बोलती है कि सपोज करो मेरे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और अगर मैं जो हमारी साइड ए बी है इसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और उसको मिलाता हूँ ए सी के मिड पॉइंट से, तो ये जो दो पॉइंट है हमारे पी और क्यू, ये मैं मान लेता हूँ कि ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है। तो अगर मैं इन दोनों के मिड पॉइंट को मिला देता हूँ, तो ये जो लाइन हमारी पी क्यू ड्रॉ होती है ये हमारी पैरल होती है बी सी के, ठीक है।
ये हमेशा ट्रू है हमारा, तो वो आपको दे देता है कि हमारे पास कोई ट्रायंगल एबीसी है, उसमें जो ए बी और ए सी के जो मिड पॉइंट्स वो पी और क्यू हैं, और आपको ये दे देता है वो ये एंगल कि ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, और वो आपको इस एंगल की वैल्यू पूछ लेता है। तो जब आपको प्रॉपर्टी से पता चलेगा कि ये जब ये पी क्यू जब पैरल है हमारे बी सी के, तो ये एंगल और ये एंगल हमारा बराबर हो जाएगा, तो जो एंगल भी होगा वो हमारा 60 डिग्री आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और इसी तरह के आपको कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका यूज आप, जिनको आप इस थ्योरम की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट थ्योरम हो रही है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो ये थ्योरम क्या बोलती है कि अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है ए बी और सी, एंगल ए का एक एंगल बाइसेक्टर लूं, जो मतलब एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और इसको मैं डी मान लेता हूं। तो बोलता है कि जो हमारा बी डी अपॉन सी डी है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, बी डी अपॉन सी डी है, ये हमारा बराबर है ए बी अपॉन ए सी के, ठीक है। तो बी डी के सामने वाली साइड ए बी और सी डी के सामने वाली साइड ए सी, ठीक है। तो इनका जो रेशियो होता है ये हमारा इक्वल होता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी वो ये है कि अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और अगर मैं यहाँ से ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, इसको मैं ए डी नाम दे देता हूँ, और एक में एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ जो इसके एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, मतलब जो एंगल मेरा, इसको मैं ई नाम दे देता हूँ। तो ए डी जो तो हमारा वो तो हमारा परपेंडिकुलर था बी सी पर, और जो हमारा ए ई है वो मेरा एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो जो एंगल मेरा बी ए ई हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा मेरा एंगल सी ए ई के। तो बहुत बार आपको ये भी पूछा जाता है कि जो हमारा छोटा वाला एंगल है एंगल ई ए डी, आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्ट कंक्लूजन है वो ये है कि जो इस एंगल ई ए डी की वैल्यू होती है, एंगल ई ए डी इक्वल टू ये जो हमारा एंगल है बी, एंगल बी माइनस एंगल सी, एंगल सी अपॉन टू के, ये मॉड में होती है, ठीक है ना। तो मॉड मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि मेरा एंगल बी भी बढ़ा सकता है और मेरा एंगल सी भी बढ़ा सकता है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस अपॉन टू, तो ये इसका डायरेक्ट एक कंक्लूजन है, और इस चीज़ को आप प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे हमको पता है कि जो ट्रायंगल के तीनों एंगल है उनका सम हमारा 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो आएगा मेरा 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और ये जो एंगल मेरा सी ए ई है, एंगल सी ए ई, ये बराबर आ जाएगा मेरा एंगल बी ए ई के, और ये हो जाएगा मेरा एंगल ए बाय टू के। तो अगर ये मेरा अब एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ से मैं इस एंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो जो मेरा एंगल ई ए डी है वो आ जाएगा मेरा एंगल जो मेरा बी ए ई था, एंगल बी ए ई माइनस एंगल मेरा बी ए डी के बराबर, ठीक है। तो एंगल जो मेरा बी ए ई था वो तो मेरा था एंगल ए बाय टू था मेरा, और जो एंगल मेरा बी ए डी है, जो मेरा एंगल ये वाला बी ए डी है, ये आ जाएगा मेरा 180 माइनस ये वाला एंगल 90 और माइनस बी। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कि 180 माइनस कितना एंगल बी और माइनस 90, क्योंकि तीनों एंगल का मेरा सम 180 डिग्री है
और ये 90 मैंने माइनस किया, ये मैंने बी माइनस किया, और मुझे ये वाला एंगल मुझे मिल जाएगा। अब जो हमारा एंगल ए है उसको मैं ये लिख सकता हूँ कि जो हमारा एंगल ए है वो 180 माइनस बी माइनस सी है, क्योंकि यहाँ से तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री है, और ए बाई टू तो अपॉन में टू कर लेता हूँ, और यहाँ से माइनस का 180 प्लस का एंगल बी और प्लस का 90, तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका एंगल बी माइनस एंगल सी अपॉन टू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी वो है हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से मेरा क्या मतलब है कि सपोज करो कोई हमारे पास ट्रायंगल है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी, और इसकी साइड्स हैं ए सी और बी। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से मेरा यही मतलब है कि जो हमारा जो बी स्क्वायर है वो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा 5 का स्क्वायर है वो हमारे 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर के बराबर है, 13 का स्क्वायर मेरा 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर के बराबर है। तो मतलब ये ट्रिपलेट्स हमारे जो पाइथागोरस हमारी थ्योरम है, ये वाली ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, इनको सेटिस्फाई करते हैं। तो आप इन ट्रिपलेट्स को ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं जो हमारे एग्जाम में यूज़ होते हैं, तो इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। और यहाँ पर मैंने ये लिखा है मल्टीपल ऑफ दिस ट्रिपलेट्स, तो इस चीज़ का क्या मतलब है कि जैसे मैंने 3, 4, 5 हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं, तो अगर मैं इनको सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 इसको 8 और इसको 10, तो 6, 8, 10 भी हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे। और अगर मैं इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 9, 12 और 15 भी हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होंगे, ठीक है। तो ये मेन ट्रिपलेट्स हमारे, और इनके जो मल्टीपल्स होंगे वो भी हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होंगे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।